मैडम ये सोसाइटी का बिल। हेलो 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 हेलो, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कौन बोल रही हैं आप? जी मेरा नाम शिखा है। शिखा, अभी अभी आपने मुझे फोन किया था। जी आई एम सॉरी। क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, मगर मैं आपको जानती हूँ अच्छी तरह से। आप हैं कौन और कहाँ से बोल रही हैं? मैं आपके बिल्कुल बगल वाले फ्लैट से बोल रही हूँ। लेकिन वो फ्लैट तो खाली है। था, कुछ दिनों से मैं रहने आ गई वहाँ। ओह ठीक है, बताइए क्या चाहती हैं आप? जी मुझे आपसे एक जरूरी काम है, आई मीन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ तो ठीक है, बताइए क्या जरूरी काम है, क्या जरूरी बात करनी है? देखिए जो मैं कहना चाहती हूँ मैं फोन पर नहीं कह सकती, आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाइए प्लीज। देखिए आप फोन पर ही बताइए प्लीज। मैंने कहा ना, जो मैं कहना चाहती हूँ मैं फोन पर नहीं कह सकती, आप सिर्फ थोड़ी देर के लिए मेरे घर आ जाइए प्लीज। देखिए देखिए मैं आपको जानती नहीं, आप कौन? तो कह रही हम एक बार मिल ले ताकि एक दूसरे को जान सके। देखिए आपको काम मुझसे है, आप मेरे फ्लैट पर आइए, मैं अकेली हूँ। पता नहीं कौन है, बार बार फोन करती है, डिस्टर्ब करती है, कुछ काम नहीं है, ब्लैंक कॉल्स। शिखा अभी फोन किया था ना? ओह राइट, आई एम सो सॉरी। आप अंदर आइए ना प्लीज, प्लीज कम इन। दरअसल क्या है, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं तो इसलिए फोन तो ये। हाँ, मुझे एक ही हफ्ता हुआ है यहाँ आकर। दरअसल मैं शहर से नहीं हूँ, जयपुर से हूँ। अब कभी आते जाते भी नहीं देखा? एयर होस्टेस हूँ, टाइमिंग किसी से मैच नहीं होती है। वाह दैट्स ग्रेट, अब बैठिए ना प्लीज। अब जानती है मैं भी एयर होस्टेस ही बनना चाहती थी पर मेरे डैडी ने इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से वो मॉडलिंग के लिए राजी हुए और वो भी कहने लगे कि यही दिल्ली में रहकर ही मॉडलिंग करो। अब आप ही बताइए दिल्ली में मॉडलिंग किसी भी तरह लड़के मैं यहाँ बॉम्बे आ गई। पता है कैसे? हाँ अभी बताया ना आपने, अभी कह रही थी ना तुम, आपको मुझसे कुछ काम था। हाँ क्या? देखो रितु मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि क्या मैं जो बात करना चाहती हूँ शायद तुम्हें उस पर यकीन ना आए, लेकिन जो मैं कहना चाहती हूँ उसे मजाक मत समझना। रितु तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, ना समझ हो और इसीलिए शायद। वन मिनट। गाड़ी साफ कर दी मैडम। ठीक से साफ किया? बहुत अच्छा से किया। ठीक है। वॉचमैन भी, जब तक उसे 10 बार ना कहो वो कोई काम ठीक से नहीं करता। आप मुझे कुछ बता रही थी क्या? हाँ देखो मैं बताना चाहती थी कि सॉरी। हेलो, हाँ हाँ मैं पहुंच जाऊंगी 2 बजे। या बाय। आप कॉफी पियेंगी? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? एक मिनट, देखिए ना मैं आपसे पहले मिली हूँ ना मैं आपको जानती हूँ, तो फिर आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? इसमें आपका क्या फायदा है? फायदा? मैं आपके फायदे की बात करने आई हूँ, अगर मेरी वजह से किसी की जान बच सकती है तो। क्या, क्या आपके कहने का मतलब है कि मेरी जान को खतरा है? ठीक है मान लीजिए, अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि आपकी जान खतरे में है तो मेरे पास मजाक के लिए वक्त नहीं है। जो मैं मेरे पास भी वक्त नहीं है मजाक के लिए। आई एम एक्सपेक्टिंग सम गेस्ट सो प्लीज। देखो रितु कहाँ थे, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। ये सब इसी वजह से हुआ। तुम लोग ना तुम्हें फोन नहीं कर सके थे। पर मैंने किया लेकिन वो। ओह आई एम वेरी सॉरी, दीज आर माई फ्रेंड्स, ही इज जतिन एंड ही इज आकाश एंड शी इज शिखा। हाय शिखा।
हम लोग पहले भी कहीं मिले हैं ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिले हैं आप लोग। ये अभी अभी मेरे बगल वाले फ्लैट में रहने आई है। और आपको तो वैसे भी हर खूबसूरत लड़की जानी पहचानी सी लगती है। अरे भैया, तो इसमें बुरा क्या है? क्यों शिखा? मुझे चलना चाहिए। लेकिन तुम मुझसे कुछ फिर कभी। कमाल है। तुम इसे जानती हो? नहीं। तो फिर ये तुम्हारा नाम कैसे जानती है? मुझे नहीं पता। वैसे है कौन? ये यही मेरे पास वाले फ्लैट में रहने आई है। You know, there is something very weird about her. Really? What? Yeah. Okay, fine. Coffee कौन पिएगा? मैं। अरे, तो बनाएगा कौन? तुम। Listen, this way. यहाँ से सीधा जाके left. आओ बच्चे। Coffee पीनी सबको है। रोज बनानी मुझे पड़ती है। अच्छी coffee बनाना ही मुझे पड़ती है। एक वादा करो आकाश। बोलो। शादी के बाद रोज सुबह तुम ऐसे ही मुझे कॉफी बनाकर पिलाओगे। अच्छा, तो इसलिए शादी की जा रही है मुझसे? और नहीं तो तुझे क्या लगा मैं तुमसे प्यार करती हूँ? साफ ऐसी गलतफहमी में मैं नहीं रहता। हेलो, कॉफी बन रही है या तू ही यहाँ क्या कर रही है? अरे भाई, किचन में कोई क्या करता है? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। हाँ, भूख तो मुझे भी लगी है। तो मुझे नहीं लगी क्या? सुबह से तुम लोगों के चक्कर में मैंने भी कुछ नहीं खाया। दो बजे आएंगे, साथ खाना खाएंगे। मुझे भी भूख लगी है। घर में कुछ खाने को नहीं है? नहीं है। ठीक है, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। वही लड़की है ना ऋतु के फ्लैट में मिली। तू सुधरेगा नहीं ना। सेट करते ना यार। छोड़ना यार, तू लड़की के चक्कर में फिर फंसवाएगा। ये इससे लड़की हो रही है। क्या बात है? नहीं, बात कुछ नहीं है, बस तमीज नहीं है इसे बात करने की। और कोई बात नहीं। एनीवे, कहाँ जा रही हैं आप? मैं बस यहीं जा रही हूँ, अपना लोखंडवाला तक। अरे बड़े कोइंसिडेंस, हम लोग भी लोखंडवाला जा रहे हैं। क्यों आकाश, लोखंडवाला? आइए, हम आपको ड्रॉप कर देते हैं। जी नहीं, थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। अरे कम ऑन, आइए ना। नहीं, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, मैं चली जाऊंगी। अरे कम ऑन आकाश, दरवाजा खोल यार, कम ऑन, आइए बैठिए ना, आइए आइए। ये ड्रेस अच्छी लगती है आपको। आज आप शाम को क्या कर रही हैं? कुछ खास नहीं। क्यों? कमाल है, बन गया प्रोग्राम। आज हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं and you are going to join us. No thanks. क्यों? क्या हुआ? वो मुझे एक जरूरी काम याद आ गया और मैं भूल गई थी। अरे अभी तो तुमने, मैं तो तुम बोलो चलेगा ना, अभी तो तुमने कहा कुछ खास काम नहीं। वो मैं भूल गई थी ना, मुझे एक जरूरी काम है। आप एक काम कीजिए, यहाँ गाड़ी रोक दीजिए प्लीज। यहाँ? अरे नहीं जाना तो मत जाओ, लेकिन लोखंडवाला तक तो ड्रॉप कर रहा हूँ ना मैं तुम्हें। नहीं नहीं, वो बात नहीं है, मुझे यहाँ एक जरूरी काम है, मैं वो कर लूँ। आप यहाँ गाड़ी रोक दीजिए प्लीज प्लीज। ओके ओके। थैंक्स। यू वेलकम शिखा। बॉम्ब है बॉस, बॉम्ब। चल प्लीज गाड़ी चला, थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ ठीक, गाड़ी चला। अरे ये आदमी कौन है इसके साथ? छोड़ना यार तू, चल यार। इसके साथ झगड़ रहा है क्या? अरे अपने को क्या लेना देना है? अरे चलना यार, देखते ना, बात करते। अरे पागल है क्या तू? दूसरों के चक्कर में क्यों पड़ रहा है तू? चल छोड़। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। नहीं वो तू छोड़, मौके बाद में भी आएंगे। लड़की की हेल्प नहीं करेंगे क्या यार? मैं समझ गया तुझे क्या हेल्प करनी है। चल तू प्लीज चल। थैंक यू। नाइस। तो तुमने शादी करने का फैसला कर लिया? हाँ हाँ।
आकाश थोड़ा बच जाता था, तब बिजनेस सेटल करना चाहता था एंड ऑल दैट, पर मैंने कह दिया मुझसे इंतजार नहीं होता, इसलिए अगले हफ्ते हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, पापा आकाश से मिलना चाहते हैं। उसके बाद आकाश के पेरेंट्स मिलकर 1 2 3 सिर्फ मैं और आकाश। ओह, और जतिन? जतिन क्या करूं बोल, तुम्हें से शादी कर लूं? You're so funny. नहीं कर सकती ना? I know. But seriously, जतिन तुमसे बहुत प्यार करता है, जानती हूँ। And I also love him, but as a friend. जब जतिन ने मुझे प्रपोज किया आकाश से काफी पहले, तभी मैंने उसे बता दिया था कि मैं उसे प्यार नहीं करती। तो मेरी क्या गलती है? तुम्हारा फोन। थैंक्स। हेलो। हेलो, मैं शिखा। देखिए आप 2 मिनट के लिए मेरे घर आ जाइए प्लीज। आखिर आप चाहती क्या हैं? सिर्फ आपका भला। आप आ रही हैं ना ऋतु? देखिए मेरे घर गेस्ट आए हैं, आप जानती हैं। वो तो चले गए हैं। आपको कैसे पता? वो सब छोड़िए, अगर आप अभी मुझसे नहीं मिली तो फिर बहुत देर हो जाएगी ऋतु। देखिए आपको जो भी कहना है आप फोन पर क्यों नहीं कहती? मैं कुछ दिखाना भी चाहती हूँ ऋतु, हो सकता है मैं जो कहूँ उस पर आपको यकीन ना आए। ऋतु सिर्फ 2 मिनट के लिए प्लीज। ऋतु ठीक है, मैं आती हूँ। पागल लड़की है, खाम का मेरा टाइम वेस्ट किया। She is getting on my nerves now. I'm so sorry. I'll call you back. Bye bye. ये क्या हुआ? उसे कुछ बताया कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं बताया उसने। पता नहीं क्या चाहती है वो। ये लोग अभी तक नहीं आए ना? कहाँ है? That was stupid. वंदना, वंदना सुन, कौन सी पहनूं बता? ये एक्चुअली तुम कुछ भी पहन लो, तुम पे सब अच्छा लगता है। थैंक्स। लेकिन आकाश को ये ज्यादा पसंद है। जतिन को भी। डोंट स्टार्ट अगेन प्लीज। प्लीज आई विल सी हिज देयर। हां ले गया मेंशन। क्या क्या लाए मेरे लिए? पूछो मत, टूट पड़ो लड़कियों। लेकिन आकाश का? अरे यार वो कोल्ड ड्रिंक लाना भूल गए थे, वो कोल्ड ड्रिंक लेने गया है। I'll just go and get the plates, okay? ये तुम्हारे लिए। क्या हो? डेट फिक्स हो गई? नहीं अभी नहीं, दिल्ली जाने के बाद पता चलेगा। एनीवे मेरी तरफ से अभी से मुबारकबाद ले लो। क्यों? छाती में आने का इरादा नहीं है क्या? कल किसने देखा भाई? मैं देखती हूँ। हेलो, thank you.
आउच। वैसे ये बहुत गलत बात है आपकी। क्या? कि आप डांस किसी और के साथ करें और देखें किसी और को। You see? मुझे ही पिलाना यार। और लाइट दे। तेरा लाइटर कहाँ है? गिर गया होगा कहीं यार। देना। Having fun? चाबी कहाँ जाएगी? यहीं कहीं होगी। देखो ठीक से नहीं मिल रही है। मैं देख रही हूँ ना, कहाँ रखी थी तुमने? पर्स में। और कहाँ बाबा, इतनी रात के तो कोई चाबी वाला भी नहीं मिलेगा। अब क्या करें? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई जरूरत नहीं, मैं जा चलता हूँ तेरे साथ। चल चल। अरे छोड़ ना यार, क्या तुझे संभालने वाला कौन संभालेगा? आजा पितर, संभाल, नर्मद मैं हूँ। हाँ आजा। अबे तेरे को भी कैसे कैसे तरीके सूझते हैं यार। मैंने कहा था आने के लिए, तू ही पीछे पीछे आया था ना। चल बा, चुप कर, संभल के चल। अब कितना रोता है तू, रुक अब। चल मेरे बच्चे, शाबाश। 26 जनवरी की परेड में तुझे हाथियों पे चढ़ाऊंगा मैं। बहादुर बच्चे का अवार्ड दिलवाऊंगा तुझे। आजा संभाल। ठीक है, संभाल संभाल। अबे क्या हुआ, लाइट क्यों नहीं जला रहा? अरे रुकना यार, स्विच तो मिलने दे। आ गई। आ मिली मिली मिली। अरे ये तो काम ही नहीं कर रही। तो रुक यही, मैं हॉल की लाइट जलाता हूँ। रुक यार, जल्दी लाइट जलाना यार। हाँ यार एक मिनट। अरे वो ये कहाँ गए हम? ये तो शिखा का फ्लैट है। इसे पैक कर लेते हैं। ले भाग यहाँ से। बच गए यार। ब्रेवरी अवार्ड देना। अरे Welcome, ladies. God, you have actually done it. Of course. I have done it. I अपने आप को brave brave बोलते रहते हैं। इतना time लगा दिया दरवाजा खोलने में। हाँ नहीं तो। अबे पूछो मत यार। आज हम रितु के flat में घुसने की जगह किसी दूसरे के flat में घुस गए। Really? वो तो अच्छा हुआ किसी ने देखा नहीं, वरना आज सर पे जूते फटे थे, जूते। आकाश, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? अरे ये मेरे हाथ पे खून कहाँ से आया? तुम्हें चोट लग गई? पता नहीं चढ़ने में लगी होगी, लेकिन स्ट्रेन, मुझे दर्द तो हो ही नहीं रहा है। मैं जाके हाथ धो के आ, तो कुछ एंटीसेप्टिक भी लगाना। हाँ चलो, तुम दोनों में दवाई लेकर आती हूँ। मैं दवाई लगा देती हूँ। अरे कहाँ दवाई लगाओगी, चोट तो लगी नहीं है मुझे। अबे अगर चोट नहीं लगी तो इतना सारा ब्लड कहाँ से आया तेरे हाथ में? Oh my God, कहीं उस फ्लैट में तो कुछ। Are you sure वो ब्लड था? I mean पेन भी हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ब्लड ही था। ओह
आकाश, कहीं इस फ्लैट में कुछ गड़बड़, चलकर देखें क्या? तू पहले ये सोच कि तेरा हाथ में ब्लड कहां से और कैसे लग सकता है। अरे रुक ना यार, एक लाइट तो जला लेंगे। हाँ देख, यहां स्विच ढूंढने से पहले मैं इस टेबल के पास यहां कहीं स्विच ढूंढ। जतिन ये देख, गॉड चल भाग चले यहाँ से। यार ऐसे कैसे भाग चले, पुलिस को तो बताना पड़ेगा ना। पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहिए, वो भाग चले। अरे नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, पुलिस को तो बताना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू यहीं रुक, मैं ऋतु के घर से फोन करके आता हूँ। नहीं तू यहाँ रुक, मैं फोन। अरे कहाँ जा रहा है यार, रुक ना। अरे लगता है हत्या लूटपाट के इरादे से की गई। ताज़ा है फोन, इसका मतलब 5-7 घंटे पहले ही हत्या की गई। 7 बजे के लगभग। अब भाई, हाँ सर, तुम कब आई थी फ्लैट में? 10:45 बजे साहब, घर से सारा काम करके सीधा इधर ही चली आई साहब। एक चाबी मेरे पास भी रहती है, रात को इधर सोती ना साहब। अच्छा अच्छा, तो तुमने आके मेम साहब को आवाज नहीं दी? नहीं जगाया साहब, ये मेम साहब का ही ऑर्डर था कि देर रात को आओ तो उन्हें परेशान ना करो। सो मैंने परेशान नहीं किया, वो कहती थी आके चुपचाप सो जाया करो। तो बस साहब, मैं जब इधर आई तो कोई भी नहीं था यहाँ, बेडरूम का दरवाजा बंद था, मुझे लगा मेम साहब सो रही होगी, तो मैं भी इधर आके चुपचाप सो गई साहब। अब मुझे नहीं मालूम था कि मेम साहब। अच्छा अच्छा, रो मत, चुप चुप चुप, जाओ जाकर वहां खड़ी हो, चलो। आकाश, जब तुम लोग पहली बार यहां आए तो तुम में से किसी ने शिका को नहीं देखा, क्यों? वो दरअसल हुआ ये इंस्पेक्टर, के जैसे ही मैंने लाइट ऑन की वैसे ही मैं तो हैरान रह गया कि ऋतु का फ्लैट इतना बदला क्यों लग रहा है। तो वो तो जतिन बोला कि ये शिखा का फ्लैट है। नेचुरली ऐसे सिचुएशन में हम लोग तो वहां से चुपचाप निकल गए। लगता है मर्डर यहां हुआ होगा, उसके बाद वो वहां गिर गई। This is an interesting patch. पूरी चादर पर ब्लड है और यहाँ नहीं, इसका मतलब कुछ चीज यहाँ पड़ी होगी, खून बिखरा होगा और उसके बाद उसे किसी ने उठा लिया। हाँ वाह, क्या चीज हो सकती है वो इंस्पेक्टर? Can be anything. Can be a matchbox. Anything with the sharp edges. खैर ये बताइए कि आप लोगों ने आखिरी बार शिखा को कब देखा? वो हमारी मुलाकात ऋतु के फ्लैट पर हुई थी उससे, बस। हाँ, उसके बाद फिर जब हम खाना लेने के लिए लोखंडवाला जा रहे थे तो रास्ते में हमने उसे इस वॉचमैन से झगड़ते हुए देखा था। फिर हमने उसे लिफ्ट दी थी लोखंडवाला तक, लेकिन वो रास्ते में चार बंगला के पास में कहीं उतर गई थी। अरे वहीं पे तो वो आदमी आया था उसके पास, बड़ा अजीब सा आदमी था इंस्पेक्टर साहब, उसे परेशान कर रहा था। यस इंस्पेक्टर, वो फाइनली उससे पीछे छुड़ाने के लिए शिखा एक ऑटो में बैठ गई।
क्या तुम बता सकते हो आदमी देखने में कैसा था? कुछ थोड़ा मोटा सा था। हाँ, पीले रंग की शर्ट थी ना। और मैं आपको स्केच बना के दिखाता हूँ। कैन यू ड्रॉ? नाइस। अब सुनो, एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ सर। और तुम बहुत लड़ते थे उनसे? मैम साहब बहुत परेशान कर दी थी, कभी लेट से आना, कभी लेट से जाना, बोलती थी टैक्सी लेकर आओ आप, मैं गेट छोड़ के कैसे जाता साहब, मैं गरीब आदमी, ये खून मैंने नहीं किया साहब। इंस्पेक्टर सर, ये ऐसा था वो आदमी। गुड ड्राइंग। अच्छा, अब तुम इसको पहचानते हो? नहीं सर। आप लोगों में से कोई पहचानता है इसको? तुम? हाइको, ये तो मेरे मरद की फोटो है साहब। मेरे मरद की फोटो? हाँ। कहाँ होगा अब ये? ये मेम साहब के पास आया करते थे, पैसे लेने के लिए आता था। मैंने मेम साहब को बहुत बोला साहब कि इसको खाली पीले मुंह नहीं लगाने का। लेकिन अभी कहाँ है ये? साहब, ये पी के घर पे पड़ा होगा। औलाद, इसके साथ जाओ, इसके मर्द को लेकर पुलिस चौकी आना। चलो। हेलो, इसका मर्द मेम साहब। माजी साहब, सॉरी आकाश के लाइटर होगा ना तुम्हारे पास? नहीं, वो मिल नहीं रहा है सुबह। तेरे पास होगा ना लाइटर, देना। वो मेरा लाइटर भी नहीं मिल रहा है शाम से। अरे चलो किचन में देखते हैं। मां माचिस होगी, आ जाओ। इंस्पेक्टर, किचन की लाइट नहीं जल रही है। देखते हैं यार। लाइट तो जल रही है भाई। कमाल है, मैंने जलाई थी तब तो नहीं चली थी। कोई बात नहीं, छोड़ो यार, माचिस देखो। सर ये गैस लाइटर है, माचिस तो नहीं। जला जला इसको, जला यार, मुंह जल जाएगा सर इससे। कोई पेपर है क्या? पेपर तो नहीं नजर आ रहा सर। अरे नहीं, एक मिनट है ना मेरे पास, रुक। कोई काम का पेपर तो नहीं है? अरे नहीं सर, रेस्टोरेंट का बिल है। आप चलते हैं। सर हम जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लेकिन एक काम करना, जाने के पहले अपना एड्रेस टेलीफोन नंबर लिखवा देना, कभी जरूरत पड़े तो। सर ये मेरा कार्ड है, ये मेरा है। मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। एक्चुअली यू आर राइट, वैसे भी बहुत देर हो गई है, लो पानी पी लो। तुम लोग जाना चाहते हो? ओके फाइन, जस्ट लीव, आई डोंट नीड एनीवन। बाहर वाले किसी का खून हो गया, समझ के कम है, जस्ट किल मी। तुम लोग कोई भी नहीं, नो 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 नो, व्हाई नॉट यू लीव, यू आर सुनी रितु, कोई मुझे नहीं। Just calm down. Pass on the flat because you're cool again, you people. Oh, calm down. Just calm down. मैं हूँ ना तुम्हारे साथ. It's okay. यार देखो, तुम लोगों को जाना है तो तुम जाओ. I'm staying here with Ritu. वहाँ के लिए जाना।
खास बात हो मुझे फोन करना। अच्छा तेरे पास नहीं सर। जानते हो कौन कौन आता था यहाँ? जी सर, आने वाले को भी जानता हूँ और जाने वाले को भी। आकाश, आकाश, दरवाजे में कोई है? क्या? दरवाजे में कोई है? क्या वो दरवाजे पे कोई है? आप चारों को इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। अच्छा ठीक है, आ रहे। आपने बुलाया हमें सर? ओ हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। दरअसल मैंने सोचा कि बार बार आप लोगों को बुलाने से अच्छा है कि कुछ बातें अभी कर लीजिए। रितु, तुम शिखा को कब से जानती हो? मैंने बताया ना आपको, आज सुबह में मिली थी उसे मेरे फ्लैट पर। ओ हाँ हाँ, वो तुम्हें कुछ बताना भी चाहती थी, पर क्या? मुझे नहीं पता। कमाल है, तुम उसे जानती नहीं थी फिर भी वो तुम्हें तुम्हारे बारे में कुछ बताना चाहती थी। खैर छोड़ो, तुम उससे आखिरी बार कब मिली थी? मेरे फ्लैट पर, मैंने आपको बताया। हाँ, इसका मतलब तुम यहाँ उसके फ्लैट पर कभी नहीं आई, क्यों? जी हाँ, सोच कर बताओ, कोई जल्दी नहीं है। हाँ, मैं आई थी, उसने जब मुझे फोन करके बुलाया था तब। रितु, I'm so glad you could come. आई रितु, कम। देखो तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। हाँ रितु, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। रितु, तुम मेरे साथ कहाँ ले जा रही हो? तुम ही सब बहुत odd लग रहा है। रितु, तुम एक मिनट दूरी अंदर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तुम्हें अभी मेरी बात पर यकीन आ जाएगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगी ना, तो तुम्हें अभी मेरी बात पर। देखो रितु, एक मिनट, ये देखो, तुमने फिर से शुरू कर दिया। वो आप जाइए यहाँ से। वंदना, वैसे हाँ, तुम जतिन की बहुत अच्छी दोस्त हो, रितु तुम आकाश की। नहीं, मुझे बस ऐसे ही लगा। Am I right? जी हाँ, हम शादी कर रहे हैं। Oh, that's great. बहुत अच्छी खबर है भाई। जतिन, तुम खुश नहीं हो यार, क्या बात है? समझ गया, दिल टूटता है तो ऐसा ही होता है यार। तुम ये बताओ कि तुम शिखा को आखिरी बार कब मिले थे? जी, मैंने आपको बताया ना कि लास्ट टाइम हमने उसे चार बंगला के पास में ड्रॉप किया था। अच्छा अच्छा, उसके बाद कभी नहीं मिले? जी नहीं। तुम जरा सोच कर बताओ, क्या तुम शिखा के घर कभी आए थे? जी नहीं, कभी नहीं। अच्छा, तब जब आकाश ने लाइट ऑन की, तब तुमने कैसे बताया कि ये घर शिखा के घर जैसा लगता है? जी मैंने मैंने सोचा कि ये कार्ड आपका है? जी हाँ, मैंने अभी अभी आपको दिया था ना। हाँ, मगर वो ये वाला कार्ड, ये कार्ड मुझे यहाँ इस फ्लैट में मिला। ये कार्ड यहाँ कैसे आया, सच सच बताओ।
टेल मी। जी हाँ, मैं आया था। वो शिखा का स्कार्फ छूट गया था हमारी कार में, तो जब आकाश कॉर्नर तक कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए गया था तो मैं रितु के फ्लैट में जाने से पहले शिखा के फ्लैट में गया। हाय। आप? मैं आई कम इन। कहिए क्या बात है? मैं देर से नहाने जा रही थी। काम तो बहुत है आपसे, फिलहाल मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। क्या? आपका ये खूबसूरत स्कार्फ। ओह हाँ, मेरी कार में रह गया। अच्छा, I'm so sorry. Thank you. Thanks से काम नहीं चलेगा। इसके बदले में मैं आपसे कुछ चाहता हूँ। क्या? एक डेट, सिर्फ एक डेट। आज, कल, परसों, कभी भी, जब भी आप चाहें। मैं सोचूंगी। मैं इंतजार करूँगा। okay. ये रहा मेरा कार्ड। आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। एनी टाइम। थैंक यू। बाय। जी बस यही बात हुई थी। बस यही बात? जी हाँ। झूठ बोल रहे हो तुम। जब तुम यहाँ आए, तुमने शिखा को छोटे छोटे कपड़ों में देखा, तुम्हारी नीयत खराब हो गई, तुमने उसको रेप करने की कोशिश की, जब वो नहीं मानी तो तुमने उसका मर्डर कर दिया। नहीं, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया सर। ताश लो उसकी। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है। लाइटर। क्या है ये? क्या है? तुमने तो कहा था तुम्हारे पास लाइटर नहीं। जी मैंने वो डर के मारे कह दिया था। तुम डरे नहीं थे जतिन, बल्कि तुमने छुपाया था। अगर कहीं तुम उस समय लाइटर दे देते तो सबको पता चल जाता कि वो निशान तुम्हारे लाइटर का है। देखो, गुनाहगार कोई भी काम करे लेकिन वो ऐसे सबूत छोड़ जाता है जिससे पकड़ा जाए। ले जाओ इसे यहां से। वंदना कुल्ला, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, लेकिन तुम इस तरह से लो ना कि अभी सब कुछ पता लग गया, बाद में पता लगता तो। खैर, काफ़ी अच्छी थी यार, ना ज़्यादा कड़वी ना ज़्यादा मीठी। आने चाहिए सब काम शादी के लिए। शादी की एडवांस में मुबारकबाद। थैंक्स। साइड देना जरा। आकाश, तुम बच सकते थे पर तुमसे एक छोटी सी गलती हो गई। मुझे याद है हम शिखा के किचन में गए थे, वहां तुमने एक कागज से हम सबकी सिगरेट जलाने की कोशिश की थी। इस कागज से, दरअसल इस कागज को अनजाने में जतिन ने बुझा दिया। थैंक्स जतिन। दरअसल तुम्हारे जाने के बाद मुझे सिगरेट की तलब फिर लगी। मैं किचन में गया, मैंने इसी कागज से सिगरेट जलाने की कोशिश की, मैंने देखा ये कागज सिर्फ कागज नहीं है, ये तो किसी की मैरिज सर्टिफिकेट है। शिखा और आकाश की शादी का। हाँ रितु, तुम्हारे होने वाले पति पहले से शादीशुदा हैं। इन्होंने 3 साल पहले जयपुर में शिखा के साथ शादी की। ये बात मुझे शिखा की बुआ ने बताई। दरअसल ये शिखा की सारी कमाई को बर्बाद कर चुकी, पर अब तुम्हारे पापा की कमाई हुई दौलत को बर्बाद करना चाहते हैं। रितु, यही बात शिखा तुमको बताना चाहती थी बार बार, और आकाश नहीं चाहता था कि ये बात वो तुमको बताए, इसलिए इसने उसका मर्डर कर दिया। क्या चाहते हो आकाश? मैं तुझे सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि अगर तुमने रितु को एक लफ्ज भी बताया तो मैं तुझे टांग से मार डालूंगा। तुम मुझे धमकाने आए हो आकाश, मैं तुम्हारी धमकियों से नहीं डरती। मैं रितु को सब कुछ बता दूंगी, उसे मैरिज सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगी। मैं तुम्हें वो सर्टिफिकेट नहीं दूंगी आकाश। आई विल नॉट गिव यू सर्टिफिकेट आकाश। तुम पागल हो गए आकाश। मानेगी ना? छोड़ो मुझे।
और जल्दबाजी में आकाश लाइटर यहां छोड़ गया। और जब इसने रियलाइज किया कि लाइटर इसे फंसा सकता है तो इसने एक चाल चली, रितु के पर्स से उसके घर की चाबी निकाल ली, फिर आइडिया दिया कि पाइप से चढ़कर ऊपर जाया जा सकता है और घर खोला जा सकता है, क्योंकि जनाब रितु के नहीं शिखा के घर में जाना चाहते थे। पर मामला उल्टा पड़ गया क्योंकि जतिन रितु को इंप्रेस करने के लिए साथ हो गया। तब इसने एक नया बहाना बनाया। ऊपर चढ़ने के बाद किचन में जाकर इसने कहा कि किचन की लाइट काम नहीं कर रही, जबकि मैंने जलाई तो काम कर रही थी। ये जनाब लिविंग रूम में आए, वहां से लाइटर उठाया तो टेबल से लाइटर उठाते हुए इनके हाथ में लट लगे। आकाश, लाइट स्विच दीवार पर दरवाजे के पास ढूंढा जाता है, टेबल पर नहीं। जब इसने लिविंग रूम की लाइट जलाई तो जतिन ने कहा, अरे ये तो शिखा का घर है, रितु का नहीं। और उसके बाद एवरीथिंग इज क्लियर। आकाश चलें।